तपया मैं सुजन मप्तान जिना सर्वासी सिद्धिजानन ओम नृषि ऋष्वादी वीरांताजलन स्नपयामी स्वाहा ओम रृमि वृष्वादी वीरांताजला स्पनयामी स्वाहा ओम रृमि वृष्वादी वीरांताजलन स्नपयामी स्वाहा श्रीजी का अभिषेक करे जल द्वारा दुल जाए पाप हमारा जाए पाप हमारा द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवती श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दध पच पच पाचय पाचय ओम नमो रं झीं क्षी हं सं वम र्षा क्षीम क्षुम क्षे क्षे क्षौ क्षौ क्षम क्षा क्षी राम रीम रूम रईं रई रो रो रम रहा द्राम द्रीम द्रामय नमो हृदय भगवते श्रीमते ठठ आज के शांतिधारा के पुणर्जक परिवार है आकाश जी जैन मनीष जी जैन महावीर प्रसाद जी जैन कल्प जैन ग्वालियर निवासी लाल जी जैन राम जी जैन लक्ष्मीचंद जी प्रबल जी रवि हर्ष जी रेणु जी जैन बामनौर निवासी कुमार जी, कुमार जी जैन ग्वालियर निवासी सकल दिगंबर जैन समाज शिरपूर निवासीन सविके श्रीरस्त वृद्धिरस्त तुष्टिरस्त पुष्टीरस्त शातीरस्त कारस्त कल्याणमस्त स्वाहा एमस्माक सर्वज्ञ निवार्थ श्रीमद्भगवसर्वज्ञपरमेष्टी पवित्राय नमो नेषा श्रीशांतीभट्टारक पाद पद्मप्रसादा सद्धर्श्रीब आयुआ आरोग्यऐश्वर्याभवृद्धिरस्त सद्धर् स्विष्यपरशिष्यवर्गा प्रसिद्धन्तु न ओम ऋष्वाद स्थितिगवा पर चतुर्वंथवंत सर्वज्ञा परम मंगलया सर्वेशा यहाद्र सिद्धि तन्वंत सदर्म कार्यु यहाँ मुद्र सिद्धि प्रय्छंत न ओं नमृर् भगवते प्रक्षणाशेष दोष ओम नमृते भगवते श्रीमत्पाष्ट चेहरे चहरे मुहरे भाव भंगिमा बदले वशन और आभूषण दुष्कृत्यों की धरा न बदली कैसे सफल बने ये जीवन दुष्कृत्यों की धरा न बदली कैसे सफल बने ये जीवन आज मुझे बहुत विस्मय के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि लोग प्रदर्शन के लिए अपने चेहरे को बदल देते हैं अपने मुहरे भी बदलते रहते हैं भाव और भंगिमा भी बदल देते हैं लेकिन दुष्कृत्यों की छल की कपट की मायाचारी की भूमि को नहीं बदल पाती अभी 18 तारीख को आचार्य का दीक्षित विनयांजलि सभा थी फरवरी में उस विनयांजलि सभा में शीतम्बर साधु भी आए सब लोगों ने सोचा कि एक नई शुरुआत होगी परंतु उन्होंने ही 25 तारीख को अपनी भाषा बदल करके ये कह दिया किसी के कोई आचारी मर जाए तो हमें क्या लेना देना जब ऐसे शब्द को उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ कर के बोला और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि सचमुच में इन लोगों के अंदर वो गरिमा नहीं है वो सरलता नहीं है वो साहसता नहीं है जो एक साधु में होना चाहिए हम जिसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की गए और हम ई भाषा में आ गए आज आ भड़काऊ भाषा बोल करके कि हम मंदिर की पूरी दस बयालीस मूर्तियां दिगंबरों की गायब करवा सकते हैं दो घंटे में मैं उनसे एक बात निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ये आपकी दुर्बुद्धि का एक नमूना सामने आया है क्योंकि मंदिर किसी भी कोर्ट ने अभी तक ये घोषित तो नहीं किया है कि ये सीताम्बर का है कि दिगंबर का है मंदिर के लिए और ये टाइम टेबल जो तीन तीन घंटे का लागू हुआ है ये भी सिर्फ एक अंतरिक्ष पार्षनाथ के लिए है हम आज फिर बता देना चाहते हैं कई बार हम इस चीज को बता चुके हैं कि हमारा ध्वज साल में पांच बार फहराने का अधिकार सिर्फ दिगंबर को है लगभग बयालीस मूर्तियां दिगंबरों की इस मंदिर में विराजमान हैं क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा सिर्फ दिगंबर कर सकते हैं शेतामर को पूजन का अधिकार नहीं है इसके उपरांत दिगंबर 24 घंटे में से कभी भी मंदिर के लिए जा सकते हैं भीतर पूजन कर सकते हैं बैठ सकते हैं और एक बोर्ड मंदिर के पास लगा है जिस बोर्ड में लिखा है मंदिर में बर्क और इत्र वर्जित है